नमस्कार दोस्तों, बोल्डस्काई में आपका स्वागत है। ये तो हम सभी जानते हैं कि ड्राई फ्रूट खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है, खासकर मखाना। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार मखाने में मौजूद पोषक तत्वों के कारण लोग इसे व्रत में भी खाना पसंद करते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किन लोगों को मखाने नहीं खाने चाहिए। दरअसल मखाने में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन जैसे कई गुण पाए जाते हैं। सेहत के लिए इतना फायदेमंद होने के बावजूद क्या आप जानते हैं आखिर किन लोगों को मखाने खाने से बचना चाहिए? आइए जानें किन लोगों को मखाना फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। एक्सपर्ट के अनुसार अगर आपको किडनी स्टोन की शिकायत है तो मखाने का सेवन बेहद सीमित मात्रा में या फिर ना ही करें। दरअसल मखाने में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसका अधिक सेवन करने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी और आपके स्टोन का आकार भी बढ़ सकता है। मखाना में मौजूद फाइबर दस्त पीड़ितों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। दरअसल मखाने में मौजूद फाइबर का एक मुख्य काम बाउल मूवमेंट को बेहतर बनाना होता है। ऐसे में जब किसी व्यक्ति को कब्ज की समस्या होती है तो उसे फाइबर रिच फूड खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आप पहले से ही दस्त से पीड़ित हैं तो मखाने का सेवन ना करें, यह आपकी समस्या को और बढ़ा सकता है। अगर आप कॉमन फ्लू, कोल्ड या डायरिया से जूझ रहे हैं तो आपको मखानों का सेवन नहीं करना चाहिए। फ्लू में मखानों का सेवन आपकी तबीयत को खराब कर सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि मखाने में फाइबर और प्रोटीन की उच्च मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से ये पचने में ज्यादा समय लेता है। ऐसे में अगर आपको गैस्ट्रिक या ब्लॉटिंग जैसी पेट से जुड़ी कोई परेशानी हो रही है तो मखाने का सेवन तुरंत बंद कर दें। मखाने का सेवन आपकी समस्या को और बढ़ा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।